शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हैप्पी बर्थडे टू किसका बर्थडे? अरे आप ही का बर्थडे है। मेरा बर्थडे नहीं है। क्यों, आप पैदा नहीं हुए थे? पैदा हुआ था, लेकिन तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी पैदा हुआ था, आप भी पैदा हो, इस हिसाब से तो हम पैदाइशी भाई भाई हुए ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। फूल है ना, पेड़ पे लगा दे और निकलो यहाँ से। चलो। एक बार मैं आपका जीजा बन गया ना, उसके बाद मैं रोज एक एक गिफ्ट लाऊंगा साले। मेरी कोई दीदी है ही नहीं लाले। दो दो दीदियाँ छुपाता अंदर, झूठ बोलता है जयंती लाल। किधर है जयंती लाल, कहाँ है? लो, आप अपना नाम भी भूल गए। तुम्हारा नाम क्या है? रॉकी। रॉकी तो मैं तुम्हें मंकी, टंकी या हॉकी कह के बोलूं तो चलेगा? जयंती लाल। जयंती लाल, मेरी जुबान बाहर लटक रही है। नहीं है? पीछे पूछ मटक रही है। मैंने तुम पे कभी भी भौंका? नहीं। तुमने मुझे कभी भी खंबे को पानी पिलाते हुए देखा? एक मिनट, अभी तक तो नहीं। तो फिर मैं जयंती लाल कैसे हुआ? क्योंकि आपका नाम जयंती लाल है। ओ, जयंती लाल को मिलने की बहुत खुजली है ना तुम्हें। अभी बुलाता हूँ, साला ऐसा काटेगा ना। जयंती लाल, किसको बुला रहे हैं आप? जयंती लाल, मेरे कुत्ते को। जयंती लाल। तो आपका नाम क्या है? टॉमी। टॉमी मेरा नाम है। अरे बापरे, डांस कर ले तो। हाँ हाँ, दिलीप सुन, एक छैया छैया टाइप भी डाल देना। नहीं 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 नहीं, इस बार ट्रेन पे नहीं करेंगे, बस पे करेंगे। हाँ ठीक है, मैं डायरेक्टर को भेज देता। ओके बाय। डायरेक्टर कौन? सूरज आदित्य जौहर बंसाली। चार्टर डायरेक्टर? फोर इन वन, चार हेड डायरेक्टरों का मसाला एक ही फिल्म में। क्या है असलम भाई, आपकी पहली फिल्म है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे आपकी फिल्म का तो मैंने टाइटल भी रजिस्टर करवा लिया है, सुपर हिट। फिल्म का नाम? बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट है। फिल्म का नाम तो है हम दिल वालों को बहुत कुछ होता है सनम। कैसा लगा? चलो ये सब कुछ तो हो गया, अब हीरोइन कौन सी लेंगे? हीरोइन ऐश्वर्या राय कैसी रहेगी? असलम भाई, ऐश्वर्या राय, व्हाट अ कॉम्बिनेशन है ना। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो शुभ समाचार का लगा कर सुनो। कल शनिवार सुबह 9 बजे दुर्गा माँ के मंदिर के सामने वाली कोठी में नए सामान, सस्ते सामान, सस्ता अनाज, शौकारी भंडार खुल रहा है। हर खास आम को आने की दावत है। हाँ जरूर जरूर, इस नेक काम में कौन नहीं आएगा। क्या कहा भे हराम के ढक्कन? कल से काला बाजारी करने वालों का दीवाला और मिलावट करने वालों का मुंह काला। अबे मुंह काला होगा तेरी अम्मा की खत्म का। जाना जाना जाना। एक तो सहकारी दुकान खोलकर इन बेचारे को भिखारी बनाने का चक्कर चला रहा, ऊपर से ढोल बजाकर इनको जलाकर इनके कलेजे का कबाब बना रहा। अरे कबाब बने या जिल्ला बने, मैं तो गांव की भलाई के लिए चिल्लाऊंगा ही। अरे गांव की भलाई तो होगी मगर इनके धंधे की धुलाई हो जाएगी। हैं? तू यहाँ चिल्लाकर इनकी धोती क्यों गीली कर रहा है? अरे मैं इन्हीं के लिए तो ढोल बजा रहा हूँ। ढोल की के? तू मेरे लिए क्या ढोल बजाएगा बे? क्यों नहीं बजाऊंगा? अरे जिस दिन तुम लुढ़क जाओगे तो तुम्हारी आरती को कंधा देने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं ढोल बजाने जरूर आऊंगा। अबे दो पैसे के ढोलक पीटू, तूने मेरे मालिक को इतना गिरा हुआ समझ रखा है, इतना कमीना समझा है, इतना जलील समझा है, खुजली वाला मरा हुआ कुत्ता समझ रखा है। कितनी गालियां दे रहा है? मैं आपको गालियां नहीं दे रहा हूँ मालिक, मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ। अरे थोड़े दिन ठहर जा, एक बार मेरे सेठ को मरने दे, फिर देख मजा। ये ढोल क्या, शहर से बैंड मंगवाऊंगा, अरे सारे गांव को नचवाऊंगा, ऐसा शानदार जुलूस निकलवाऊंगा कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा कि ये मरा कोई सेठ, सेठ जी कैसी रही। बासी खिचड़ी के सड़े हुए कीड़े, एक तो मेरे मरने की दुआएं मांग रहा, ऊपर से मुझसे ही ताली मांग रहा है। गिरगुट की औलाद, बिना पिंडे के लोटे
जलंधर अभी लेता हूँ तेरी खबर। और तू क्या रे, तू मेरे लिए ढोल बजाएगा? ढोल बजाएगा साले, ढोल बजाएगा। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, जल्दी अंदर चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। मदद करो। नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ, आपने जितना कर दिया काफी है। Excuse me, my room key, please. Sure. My room key, yeah, thank you. Something wrong? Nothing, he just got drunk. Don't worry, he's not looking at you. He's not staring at you, don't worry. Gopal, ye lash chuke kaise? सीधी बात है, किसी भी लाश को छोड़ोगे तो झुक जाएगी। ये तो अच्छी लाश है कि लाशों की भी लाश जैसी नहीं दिख रही, देखो। मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है ना। जोर जोर से बातें मत करो, फंस जाएंगे हम लोग। पहले इसे झुकाओ, झुकाओ, इसकी बॉडी सीधी नहीं हो रही। ओह माय गॉड, देखो एक बात बताओ, ये लाश इतना आकड़ क्यों रही है? अरे लाश को ठंडी लगे ना, कोई बात नहीं, लाश को ठंडी लगे, ठंडी लग गई। मरने के बाद भी हमारे पीछे पड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा हो, क्यों मार रही हो लाश को? लग जाएगा ना, क्यों मार रही हो उसको? वो मुझे घूर क्यों रहे? कहाँ घूर घूर के? अरे लाश है लाश, इसको एंजॉय करो। जी और शो नहीं देखा? ओके मैं काम करता हूँ, मैं इसको चश्मा बना देता हूँ, आई कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। ये देखो, ये ये वो शो नहीं देखा तुमने? जी और आराम से की पिक्चर, आराम से देखो कैसे आराम से पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे लगता है तुमको भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। भूख नहीं लगी, मैं अकेले कैसे रहूंगी? ये लाश कंपनी देगी ना, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट, बाय। अच्छा अम्मा, क्या है तेरा मेरा कव्वाली का मुकाबला चल रहा है क्या? मैं कर रही है, अपना खा रही, दूसरे के पेट पे लात मार रही है। चुप जा बैठ। अम्मा, तुझे भी सुबह सुबह यही घर मिलता है मांगने को? कहीं और जाके भीख नहीं मांग सकता था? निकम्मे पेटू। क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो, ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तू मेरा खिला रही हो? अरे चाचा, तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ, इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी हैं। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है, राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है, राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना, तो तुम मेरे पे एहसान नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ, मालूम? हाँ तो जा, आज की बात मत आना मेरे दरवाजे पर। तो नहीं आऊंगा, पुलिस वाले की बीवी तो धौंस जमाती है क्या? वर्दी वाले भिखारी की बीवी। क्या बोला? हाँ फिर, तू क्या समझती है गाँव में तेरा एक दरवाजा जहाँ भीख मिलती है? 50 दरवाजे हैं जहाँ पे लोग भीख देने के लिए भिखारियों की तरह लाइन लगा के खड़े रहते हैं और आवाज लगाते हैं, भीखो भिखारी, हाँ मालिक, भीख ले जाओ, मालूम? जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, इसका कोई चांस नहीं है। अम्मा, अबे तानसेन की भिखारी औलाद। बोलो माई बाप। इधर आ जा। आ गया माई बाप। बैठ जा। थैंक यू। अरे झटका क्यों खा गए? मेरी ब्यूटी से जल गए क्या? अबे डामर, मेरी बराबरी में आकर बैठता है, जानता है तुझमें और मुझ में कितना फर्क है? हाँ जानता हूँ। हाँ फिर, मुझे भीख मांगने के लिए दर दर पे जाना पड़ता है, आपको घर में बैठे ही भीख मिल जाती क्या है? बोला? नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। फिर सारा जमाना ये कहता है, आजकल तो स्कूल में बच्चों को भी पढ़ा जा रहा है। लात मारूंगा। नहीं, 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 मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, पिछले महीने पहने मैंने। भिखारी की तरह नीचे बैठ, चल। पायल कहीं का। सच कहा है किसी ने, क्या जिंदगी एक तराजू की तरह है, जो वजनी है वो नीचे चले जाते हैं, जो हल्के हैं वो ऊपर चले जाते हैं। बकवास बंद कर, चल शो कर, कितना कमाया, कितना कमाया? आपसे तो ज्यादा कमा लेता हूँ। एक दिन तुझे इतना मारूंगा ना कि तू अम्मा बाबा पुकारना भूल जाएगा। क्या पुकारना भूल जाएगा? अम्मा बाबा भूल जाएगा। अभी रोटी नहीं पकी, बाद में आना बाबा। नहीं माई, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी, चलो ना कल से साथ में भीख मांगते। कौन? हेलो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आइए आइए। क्या बात है सर, आप मुंह क्यों छुपाए बैठे हैं? अब क्या मुंह दिखाऊं मैं आपको? ओह समझ गई, उस दिन की कविता पाठ के लिए आप शर्मिंदा है ना? शर्मिंदा?
कविता पाठ के लिए अजी छोड़िए पसीने पसीने कर दिया था आपको। अगर वो कबाब में हड्डी न टपक पड़ता तो आप गश खाकर झूल जाती बाह में। सर मुझे एक हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए सर। एक दिन की भी नहीं, अगर आप दफ्तर नहीं आएंगी तो हमारा क्या होगा। पर सर दफ्तर में दूसरी टाइपिस्ट भी तो है। अजी वो इलायची खिलाना क्या जाने, वो मंद मंद मुस्कान क्या जाने। इलायची सर। अवश्य अवश्य। कौन है ये क्या सर? ओ आपकी आधी मूछ गई किधर? हो गई है उस तरह की नजर। किसने काटी? दुर्लभ, खुद मैंने। खुद ही काट ली? और किसका हाथ पहुंच सकता है शेरों की मूछों तक। वाह, दरअसल आप ही कारण है इस मूछ मुंडन का। मैं? वो कैसे? सवेरे जब मैं बाथरूम में आपके ध्यान में खोया हुआ दाढ़ी बना रहा था तो उस तरह कुछ ज्यादा ही खींच गया। मुझे तो चिंता है कहीं आपकी लगन में एक दिन अपनी गर्दन न काट बैठूं। हाय, ऐसा जुल्म न कीजिएगा। नहीं, लीजिए इलायची खाइए। अवश्य, संसार में सबसे मजबूत बंधन है इलायची बंधन। खा लेता हूँ। तो मेरा भी मन रख लीजिए ना। हाँ, दे दीजिए ना। क्या? एक हफ्ते की छुट्टी। कभी नहीं देंगे, हमें सदा एक दूसरे के सामने रहना है। इलायची बंधन में जकड़ चुके हैं हम, और इस बारीकी को वो बेवकूफ विजय क्या समझेगा। कौन सी बारीकी? इलायची की बारीकी। वो बेवकूफ समझता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है इसलिए आप मुझे इलायची खिलाती हैं, ऐसा कह रहा था। मिस्टर विजय बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो जाइए छुट्टी, एक हफ्ते की नहीं पूरे महीने की छुट्टी। ओ वाओ, तब तो मैं हनीमून पे भी जा सकती हूँ। हनीमून? गोइंग टू बी वेरी सून। मैं शादी करने जा रही हूँ। बाय। शादी? है इलायची की शादी? कवि और नटराज कटवा ले, बाकी की भी कटवा ले। कौन है बे? ओ ओ मैडम नमस्ते। नहीं मैं समझा कोई ऐसे ही। जी जी जी, हुक्म कीजिए, विजय को भेज दूं? अभी भेज देता हूँ। अरे माफ करना हवलदार साहब, आपसे गलती हो गई। आपसे नहीं, मुझसे। आपसे ना? नहीं नहीं, तुमसे। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई। असल मुझे कहीं और चोरी करना चाहिए था तो मैंने चोर के घर में चोरी कर लिया। आए, क्या कहा? मैं चोर हूँ? हट, अपनी झटकेदार हाथी बांधकर। मगर गुरु आपने बिल्कुल दी का चोर। अबे चलो हट के, हवलदार को छोड़ कहता। देखा, तूने भी बदतमीजी की तो तेरे मुंह में साइलेंसर घुसेड़ दूंगा। ये देखा जा रहा वरना टोल 01 फाटक बंद कर। अबे मुझे नहीं, फाटक बंद। अबे अबे अबे, लेटर है लेटर है लेटर है। अपन दुनिया को ठगेंगे। कैसे भागे हैं? तू मरना। अबे तू मरना यार। अरे मरेगा तो कैसे भाई यार? अबे नाटक कर रहे हैं मरने का, तू मर, मैं तेरे को लेके भागता हूँ। चल मर, मर, मर गया। चल जबान मारने कर। अरे मर्डर, ए मर्डर, ए लाका में खून, ए हवलदार ने, ए हवलदार ने मर्डर किया। ए लाका में मर्डर, लॉकअप में मर्डर, ये हवलदार ने मर्डर किया, ये खून हो गया, ये देखो। अरे क्या 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 क्या, किसका खून किसने किया? अरे तुमने किया और किसने किया, ये देखो ये बेचारे को ऐसी गलत जगह पे लात मारी, बेचारा फड़फड़ा के मर गया। वो मर्डर की टकर है। अरे ये तो वाकई मर गया। ये मरा नहीं है, तुमने मारा है इसको। नहीं नहीं नहीं। अरे हाँ क्या, नहीं नहीं, मैंने अपनी आंख से देखा, तुमने इसको कस कस के मारा, सारा ये फड़फड़ा के मर गया। अभी ये समस्या लेके मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा, पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, एक हवलदार ने इंसानियत का गला घोटे। चुप हो जा, चुप हो जा मेरी बात, चुप हो जा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, किसी को कुछ बोलना नहीं। पहली बार मुझसे लॉकअप में मर्डर हुआ है। पहले किधर किया है? कहीं नहीं किया, पहली बार हुआ है। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, मुझे बचा लो। जब तक ये लाश इधर पड़ी ली है तेरे कोई भी नहीं बचा सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? ये लाश को इधर से गायब करना पड़ेगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको बोरी में डालकर ले जा। अबे शाने, क्या छेंडी लगाता क्या, बोरी में डाल के लेके जाओ, ऐसा नहीं चलने वाला। ये तेरे जितने भी हवलदार लोग है ना, ये लोग को चाय पीने को फुटा दे, मैं इसको ऑटो रिक्शा में लेके फुट जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ए, इसको जला दोगे ना? नहीं नहीं, काय को जलाऊंगा मैं, इसको सेंट्रल बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट पे रखूंगा ताला लगा के। अरे यार क्यों मजाक करता है यार, चल पानी निकल। क्या कर क्या कर रहे हो तुम ये? अरे तेरा क्रियाक्रम नहीं करना पड़ेगा क्या? मेरा उसका मतलब तेरे को जो बोला वो करने तो मैं फूट जाऊंगा अभी। नहीं नहीं ठीक है,
अपना कातड़िया बहुत गरम है, चल अभी खुलिया, चल चल जाना मन उठ बे, अबे रख ले उठ, अबे निकलना जल्दी। ओए तू भी ना क्या, ए 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 पागल हो गए क्या? दूर हटो, जा। नताशा, मैं वहाँ से आ रहा था ना, तो ये पागल कुत्ते की तरह इधर झपटा और इसने मुझे यहाँ काटा। ये झूठ बोल रहे, मैं तो इनको गले लगा रहा था, गले लगा रहा था। लेकिन लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? मैं तो फूल देने आया था, मैं रोज देने आता हूँ ना, तो ये बोला तू नहीं देगा, तू फूल नहीं देगा, और इसने मुझे काटा। मैंने कब काटा? तूने काटा? मैंने काटा? मैंने काटा इसको भाई, मैंने कुछ मेरा गला दबाने लगा, बच्चे वो तो टाइम पे आ गए, ये तो हाथ के साथ-साथ मेरा गला भी। हां तू कंफर्टेबल हो गया अंदर, ये बकवास कर रहा है नताशा। तुम्हें पता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी अरे तुम्हें इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना है। मैं चलो नताशा, चलो प्लीज गो। कौन सा परफ्यूम लगा है? नाइस परफ्यूम नताशा, नाइस। तुम ही लगाना। आत्मा ने झटका दे दिया और तुम भी तमीज से रहना। चलो इससे पहले कोई आ जाए, इस लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा हमको। चलो इससे जल्दी जल्दी जल्दी, इसके पहले कोई और आ जाए, लाश को ठिकाने लगा देते। ओके। इसकी उंगली तो मैं इसके तरफ ही कर लेता हूँ यार, तुम टेंशन मत लो। चलो बच जाओ जल्दी से, चुप चुप चुप, तुमको नहीं बोल रहा, तुमको नहीं बोल रहा हूँ। ओहो, ये कहाँ लेके आए हो? ये क्या है? इतना भी नहीं मालूम? ये जंक यार्ड है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? यहाँ पे लाश का क्या करेंगे? सीधी सी बात है, यहाँ पर गाड़ी स्क्रैप होती है और उसे कबाड़खाने में फेंक दिया जाता है। गाड़ी के साथ साथ लाश भी स्क्रैप में चली जाएगी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मैं कहता बैठ, चुप बैठ, बोल रहा हूँ तुमको। ओह या, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, कम ऑन लाश। पुलिस, 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 पुलिस आ गई। क्या करें? तुम बोलो क्या करें? डरो मत, कुछ सोचो। क्या सोचूं? एक आइडिया, एक आइडिया। एक काम करो, तुमने जोर से पकड़ लो और पकड़ के जोरदार किस कर दो, और तब तक किस करती रहो जब तक पुलिस आती नहीं। रबिश, क्यों? मैं सिर्फ उसी को किस करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। क्यों? बिल्कुल नहीं। मैंने तुमको भाव में नहीं लिया था क्या? हाँ। और तुम एक पल के लिए सोचो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। पुलिस, पुलिस, लेट्स चेक। पुलिस आएगी, पुलिस आके दोनों को पकड़ लेगी, हम दोनों की जान जाएगी। मुझे क्या करना है? क्या क्या Okay, let's go. Yeah. Thank God. Thank God. चले गए? हाँ हाँ हाँ। सब चले। तुम उधर झाड़ियों की तरफ जाओ। जरूर कोई जोड़ा रोमांस कर रहा होगा। गंडा दिखाकर पैसे वसूल करके लाओ। कौन है भाई? ठीक करो, मुठी करो। सर आप इंस्पेक्टर चोर घे, चलो बाकी खाने का हिसाब कमीशन साहब को देना। चलो आप, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब, ये सब कुछ ले जाइए, मगर मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, आज तो मैं तुमको डिसमिस करा के रहूंगा। चलो नहीं नहीं, डिसमिस नहीं, डिसमिस नहीं। अच्छा साहब, एक काम करिए, ये पूरे महीने की तनख्वाह भी रख लीजिए, मगर मुझे माफ कर दीजिए। खाली एक महीने की? अगले महीने की भी दे दूंगा। ओके ना? हां दे दूंगा। अच्छा, जो अभी दोबारा नहीं करना। अच्छा, जो अजीब चोर के। क्या बोला? नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बाप रे, ये तो डुप्लीकेट इंस्पेक्टर है, जरूर इसने किसी को चीट किया होगा। 420 बेईमान पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। चलो थाने। एक मिनट साहब, एक मिनट। क्या? एक तोहफा देता हूँ। अरे अरे अरे, मेरा चश्मा, अरे मेरा चश्मा। अरे अबे मुंह से निकाल, क्या हुआ क्या हुआ? सर वो आदमी डुप्लीकेट इंस्पेक्टर है, उसने जरूर किसी को उल्लू बनाया है। सेठ जी, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं।
नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, फरमाइए आज हम गरीबों की याद कैसे आ गई? सेठ जी हम लोग इसी इलाके में रहते हैं, कभी कभी समाज सेवा यानी सोशल वर्क भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ भाई। तो सेठ जी इस इलाके में एक ही चीज की कमी है। किस चीज की कमी? जी हम लोग सोच रहे हैं इस इलाके में एक स्विमिंग पूल हो जाए तो अच्छा है। स्विमिंग पूल? जी सेठ जी, हम इसी के लिए आपके पास आए हैं। बहुत नेक ख्याल है भाई, मैं खुद सोचता हूँ इस इलाके में स्विमिंग पूल का होना बहुत जरूरी है। देखा, सेठ जी का भी यही ख्याल है। जाहिर बात है, स्विमिंग पूल के बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। जो इंसान तैरेगा नहीं वो किनारे पे उतरेगा कैसे? क्यों? क्या पता तुम स्विमिंग पूल करो। अब जो काम सरकार को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं। अब सरकार सड़कों में बड़े बड़े खड्डे खुदवा देती है, उसमें पानी भर जाता है, अंधेरे में लोग उसमें गिर जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। मर खड्डे के नाम पे सरकार स्विमिंग पूल बनाकर नहीं देती है। बहुत अच्छा, कर मुबारक हो जाए। शुक्रिया। लेकिन सेठ जी अगर आपकी तरफ से कुछ मदद, कुछ डोनेशन मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओफो, डोनेशन चाहिए तो सीधे कहो ना, घुमा फिरा कर शर्मा कर बोलने की क्या जरूरत है। डोनेशन के लिए आप लोग कोई बड़ा सा बर्तन लाए? बर्तन मतलब? अरे मतलब साफ है सेठ जी, बहुत अच्छे मूड में है। बहुत बड़ा डोनेशन देंगे, बर्तन भर के चंदा देंगे, उसमें कूद पड़ो। लाए हैं कि नहीं बर्तन? बर्तन लाए? बर्तन? हाँ, नहीं लाए तो कुछ फिक्र की बात नहीं, मैं देता हूँ आपको। ये लीजिए, ये पूरा बाल्टी पानी मेरी तरफ से चंदा ले लीजिए और इसको स्विमिंग पूल में डाल दीजिए। क्योंकि स्विमिंग पूल बनाने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक खड्डे की, दूसरे पानी की। खड्डा तो सरकार खुदवा देती है, पानी मैं देता हूँ। ये लो, लेकिन ये अपन मगर ये बाल्टी बाद में वापस कर देना, बहुत महंगी है। ले ना, कल से इसमें तैरना शुरू कर दो। क्यों बे, बड़ी बड़ाइयां मार के लेकर आया था कि सेठ जी से चंदा दिलाऊंगा। अरे ऐसे कंजूस आदमी ने एक बाल्टी पानी दे दिया, ये किसी चंदे से कम है? जो आदमी पानी से नहीं पानी के फोटो से नहाता, जो साबुन को कंबल में लपेट कर रगड़ता हो, उसका एक बाल्टी पानी देने का मतलब है लाखों रुपए का चंदा, समझे? अबे तेरी तो लीडरों से मजाक करता है। मुबारक हो अब्दुल दाऊद सुलेमान का सलाम।